सीएनसी वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रिफ्रैक्टोमीटर की। तो रिफ्रैक्टोमीटर का जो वर्क है वो क्या होता है, इसके बारे में आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको यहां पे एक यंत्र दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। और ये रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होता है और कहाँ पर रिफ्रैक्टोमीटर का कार्य होता है, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के इस कंटेंट के अंदर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। और चौथे नंबर पे हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेक कूलेंट कंसेंट्रेशन विद हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये कंटेंट है आज का हमारा इस वीडियो का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जब सीएनसी मशीन डिपार्टमेंट में हम लोग कार्य करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जिससे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कूलेंट को चेक करते हैं। कूलेंट का कंसेंट्रेशन चेक करने का जो कार्य होता है, हम लोग इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग गैसों, तरल पदार्थों और पारभाषी ठोस पदार्थों जैसे जलीय घोलों की सांद्रता को नापने के लिए किया जाता है। तो ये जो है वो लिक्विड गैसेस वगैरह जो होती है, तो उनकी सांद्रता जो होती है उनको नापने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर में जो है वो क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। तो ये जो रिफ्रैक्टोमीटर है ये कूलेंट को जो है वो चेक करता है, कूलेंट की कंसेंट्रेशन को चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है। तो ये इस प्रकार से यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर जो है वो एक ग्लास लगा होता है, एक लेंस लगा होता है। ये लेंस के द्वारा जो है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से जो है वो कितने परसेंट तक जो है हमारे कूलेंट के अंदर जो है वो कूलेंट की मात्रा है। तो रिफ्रैक्टोमीटर उस डिग्री को मापते हैं जिस तक प्रकाश दिशा बदलता है, जिसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। एक रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तन कोण लेता है और उन्हें स्थापित अपवर्तक सूचकांक मानों से जोड़ता है। इन मानों का उपयोग करके आप संसाधनों की सांद्रता निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेपर एंगल आप यहाँ पे देख रहे हो, इस टेपर एंगल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कूलेंट को रखते हैं और उसके बाद में जो है यहाँ पर लेंस लगा होता है, इसके अंदर लेंस होते हैं और इसके अंदर जो है वो स्क्रीन कैलिब्रेशन जो है लगा होता है। लो कंसेंट्रेशन यहाँ से हम लोग चेक करते हैं और यहाँ से जो है वो इसका जो है वो एक हाई कंसेंट्रेशन रीडिंग यहाँ पे जो है वो लिखी होती है। तो यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन रीडिंग होती है, यहाँ पर जो हाई कंसेंट्रेशन रीडिंग होती है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको जो है वो यहाँ पर कूलेंट को रखते हैं इसके इस एंगल के ऊपर, उसके बाद में इसका जो ढक्कन होता है वो बंद करते हैं, फिर हम लोग जो है इसको चेक करेंगे। तो हमें बताता है कि आपके जो कूलेंट आप जो मशीन के अंदर यूज कर रहे हो उसके अंदर जो है वो कंसेंट्रेशन कितना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो हम लोग कूलेंट का कंसेंट्रेशन जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो मेन पार्ट्स ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर के जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। रिफ्रैक्टोमीटर के दोस्तों बहुत सारे मेन मेन पार्ट्स होते हैं, तो वो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं वो जानना हमें बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डे लाइट प्लेट, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो तो ये डे लाइट प्लेट लगी होती है। तो इसका ये जो ढक्कन होता है इसको हम लोग डे लाइट प्लेट बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, हम लोग खोल भी सकते हैं, इसको ओपन करके इसके अंदर यहाँ पे जो आप ब्लू कलर देख रहे हो इसके ऊपर जो वो कूलेंट को रखा जाता है, कूलेंट की बूंद को जो यहाँ पे रख के फिर उस ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो हमारी जो डे लाइट होती है, उसके बाद में यहाँ पर ये होता है कैलिब्रेशन स्क्रू, ये कैलिब्रेशन स्क्रू होता है और इसके बाद में ये रबर ग्रिप होता है ताकि आपके हाथ से जो है ये छुटक नहीं जाए, इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो ग्रिप लिया जाता है। ये एक एक्यूरेसी मापने का एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए नीचे गिरने पर यहाँ पर ये टूट भी सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो रबर का ग्रिप दिया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे फोकस एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर जो है वो एक इसके अंदर लेंस लगा होता है और यहाँ पर आंख को हम लोग यहाँ पे जो है वो एक आंख को बंद करके इसको जो है वो चेक करते हैं, या तो आईपीस इसको बोलते हैं।
और यहाँ पर जो है वो जैसे ही हमें इसको आंख को बंद करके इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो है वो हमें एक रीडिंग दिखाई देती है, कंसंट्रेशन की रीडिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन है वो हमें जो है वो बताएगा। उसके बाद में जो है वो मेन प्रिज्म असेंबली, नीचे जो है वो मेन प्रिज्म असेंबली होता है। तो उसके बाद में जो है वो दोस्तों इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इल्यूमिनेटर फ्लैप विद मैटेड सरफेस, इसको मैटेड सरफेस कहते हैं, इसको लाइट सोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोग सैंपल को रखते हैं, कंपोनेंट का जो जो भी हमारा जो सैंपल होता है कूलेंट का, उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे जो है इसको मेजरिंग प्रिज्म कहते हैं। और ये कैलिब्रेशन स्क्रू, यहाँ पे आपने देखा जैसे यहाँ पे ये कैलिब्रेशन स्क्रू होता है, यहाँ पे ये कैलिब्रेशन स्क्रू यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद में ये है बीमेटेलिक स्ट्रिक यहाँ पे होता है, और उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर सेल होता है, और यहाँ पे देखिए ये लेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हम लोग अपनी आंख को क्लोज करके, एक आंख को बंद करके जो है हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो चेक करते हैं। तो हाउ टू चेक कूलेंट कंसेंट्रेशन, किस प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि किस प्रकार से, देखो कि एक अपनी आईज को क्लोज करके और कूलेंट को रख के हम लोग जो है वो आसानी से साथ में यहाँ से जो है वो हम लोग आँख को जैसे दूरबीन के अंदर हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर दूरबीन टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जैसे इसके अंदर देखेंगे तो हमें कूलेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो हमें शो करेगा कि कितनी कितने परसेंट जो है आपका कूलेंट कंसेंट्रेशन है। तो जो भी कंपोनेंट हम लोग काटते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग कटिंग करते हैं, मेटल की कटिंग करते हैं, तो कूलेंट की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपका कूलेंट कंसंट्रेशन दी गई मात्रा के अंदर है तो आपका जो कंपोनेंट है वो आपका कंपोनेंट के ऊपर जब आप कूलेंट का फ्लो डालते हैं तो कुछ समय के बाद में आपका जो कंपोनेंट है वो रस्टी नहीं होगा। अगर आपका जो कंपोनेंट है वो अगर रस्टी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके उस कूलेंट के अंदर जो कूलेंट की जो मात्रा है, जो कूलेंट का जो मतलब जो मात्रा है वो काफी कम है, तो वहां पर जो है वो आपका जो कूलेंट है उसके अंदर जो है वो कूलेंट की जो मात्रा है वो बढ़ाने की जरूरत होती है। कटिंग ऑयल हम उसके अंदर डालते हैं तो आपका जो जो कूलेंट है वो उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब आपका कूलेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप जो है वो मतलब आपका जो कंपोनेंट है वो सही बनेगा, आपका टूल जो है वो खराब नहीं होगा, और जो आपके इंसर्ट्स हैं वो जो है वो सही तरीके से जो है वो वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो एक रिफ्रेक्टोमीटर होता है। तो रियल रिफ्रेक्टोमीटर को जो है वो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ, तो आप आगे जो है वो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि मेरे हाथ में जो है वो एक रिफ्रेक्टोमीटर है, और मैं आपको जो है वो इस रिफ्रेक्टोमीटर के बारे में जो है वो संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसके जो है वो जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे वो सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ पर जितने भी जो पार्ट्स हैं वो सबके पार्ट्स के नाम मैंने आपको बताए थे। और यहाँ पर देखिए ये इसका जो है वो एक प्लेट होती है, और इसके यहाँ पर जो नीली प्लेट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है वो कूलेंट को रख करके जो है वो हम लोग कूलेंट की कंसंट्रेशन को जो है वो हम लोग चेक करते हैं। तो जब हम लोग कूलेंट की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं तो इस प्लेट को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और पीछे वाली साइड पे आप यहाँ पे देखो यही जो लेंस है, यहाँ पर आप पीछे जो है वो लेंस देख रहे हैं, इसी लेंस के द्वारा जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि ये एक रिफ्रेक्टोमीटर है। मैं आप लोगों को जो है वो कूलेंट का कंसंट्रेशन जो है वो चेक करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसके ऊपर जो है वो कूलेंट रखा है, यहाँ पे ये देखिए ये कूलेंट जो है वो सीएनसी मशीन में चल रहा था, और इसको अब मैं यहाँ पे जो है वो इसको बंद कर देता हूँ। तो इसको ऐसे मैंने बंद किया, और उसके बाद में जहाँ पर ये जो लेंस लगा हुआ है पीछे दूरबीन की तरह जो है ये होता है, यहाँ से जो है मैं इसको जो है वो आँख को एक आँख को बंद करके यहाँ से मैं जो इसको चेक करूँगा तो अंदर जो है वो मेरे को रीडिंग शो करेगा। तो रीडिंग शो करेगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो हमारे कूलेंट के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो कूलेंट की कंसंट्रेशन को जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आज आप लोग जो है वो समझ गए होंगे कि एक रिफ्रेक्टोमीटर क्या होता है और मेन पार्ट्स क्या होते हैं और किस कार्य के लिए जो है वो रिफ्रेक्टोमीटर को यूज़ किया जाता है। तो रिफ्रेक्टोमीटर का यूज़ जो है वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।